नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 में एक नया ईमेल आईडी फ्री में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देख सकते हैं, कुछ मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे जीमेल, तो जीमेल साइन अप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले जो लिंक आएगा क्रिएट ए अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन आएगा, फॉर माई पर्सनल यूज, फॉर माई चाइल्ड, फॉर माई वर्क और एनी माई बिजनेस। सो अभी हम पर्सनल के लिए बना रहे हैं तो फॉर माई पर्सनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो सेकेंड है ऑफिशनल है, यहाँ पे चाहिए तो अपना सेकेंड नाम डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ आपको अपना जो ईमेल आईडी है यहाँ पे वो क्रिएट करने का है। तो आईडी में के लिए अपना नाम ही ट्राई कर लेते हैं, और आप चाहिए तो दूसरा कुछ भी ट्राई कर सकते हैं कोई और नाम टाइप करके। फ़िलहाल में मैं अपना ही नाम टाइप करके ट्राई कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपना नाम डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, नहीं अवेलेबल होगा तो दूसरा आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं वो नाम अवेलेबल था ईमेल आईडी के लिए, तो वो मुझे मिल गया है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कोई सा पासवर्ड डालना है 8 डिजिट का। मैंने यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड फिल कर दिया है और यहाँ से सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ ये पूछ रहा है कंफर्म यू आर नॉट ए रोबोट, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, इसके बाद से अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर अपना फिल कर दिया है मैंने, अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं अभी मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP मुझे आ चुका है। तो ये देख सकते हैं OTP मैंने फिल कर दिया, उसके बाद से सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कोई रिकवरी ईमेल आईडी के आप डाल सकते हैं, इन फ्यूचर आप कहीं पासपोर्ट भूल गए तो वो वहाँ से इजीली रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज अदर भी ऑप्शन है, आप फॉरगेट करके पासवर्ड को नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। और ये देख सकते हैं मेरा नंबर यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे ऐड करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नहीं ऐड करने का तो स्किप कर देंगे। तो वो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे गेट मोर योर नंबर फ्रॉम योर नंबर, गेट मोर फ्रॉम योर नंबर। तो ये देख सकते हैं यहाँ से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गूगल के जो भी सर्विसेज हैं इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ESIM पे क्लिक कर देने का है।
और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरा ईमेल आईडी बन के तैयार हो चुका है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। अभी यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म कंडीशन है गूगल का, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद सिंपली आपको एग्री पे क्लिक करने का है। तो डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाएंगे अपने ईमेल आईडी में, और ये देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी कम्प्लीटली बन चुका है। यहाँ से अभी आप किसी को मेल कर सकते हैं, किसी को अपना ईमेल आईडी कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नया ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।